बिल्कुल, लास्ट टाइम हमने एक रिएक्शन रह गई थी, कौन सी बोलो? अमीन्स में कौन सा नंबर का है ये? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हुआ था ना लास्ट। अब कार्बिल अमाइन रिएक्शन, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट या आइसोनाइट्राइल टेस्ट। कार्बिल अमीन, कार्बिल अमीन क्या होता है? आरएनसी होता है ना? आइसोसाइनाइड टेस्ट है ना, ये देखो हमने 1 डिग्री अमीन लिया, मान लो हमने एरोमेटिक वाला ले लिया 1 डिग्री, तो इसके साथ क्लोरोफॉर्म और KOH ले लिया। क्या ले लिया? और NaOH या KOH में से कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे क्या बनेगा? फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस ऑफ आइसोसाइनाइड है ना, फिनाइल आइसोसाइनाइड बन गया। ये हो गया आइसोसाइनाइड, इसका फाउल स्मेल है, सो इट इज कंफर्मेशन दैट यहाँ 1 डिग्री अमीन रहा होगा। फाउल स्मेल का निकलना मतलब यहाँ पे 1 डिग्री अमीन, और KCl बन रहा होगा, पानी बन रहा होगा, नोट कर लो ये। और 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन से टेस्ट नहीं लेते हैं, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। जो लिख लिए ठीक है, अब चलते हैं बेसिसिटी पे। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, ठीक, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, जीओसी में हम बता चुके हैं लास्ट ईयर, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, देखो दो मीडियम में हम बात करते हैं बेसिसिटी की, है ना? अमीन्स की बेसिसिटी देखें यार, एक है इन गैशियस स्टेट, इन गैशियस स्टेट, गैशियस स्टेट में क्या होता है? 1 डिग्री 3 डिग्री अमीन डोमिनेट्स, इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री अमीन, देन 1 डिग्री अमीन, देन अमोनिया, है ना? ठीक है, ये हो गया किस स्टेट में? गैशियस स्टेट, मतलब जैसे 3 डिग्री अमीन मतलब ऐसा दिखने वाला, 2 डिग्री अमीन ऐसा हो गया, है ना? आर एन एच टू हो गया 1 डिग्री हो गया, ठीक है? ये हो गया गैसीय स्टेट में। अगर सवाल में कुछ भी मेंशन नहीं है गैसीय या एक्वस, तो क्या मानोगे? एक्वस, क्या मानोगे? ये डिफॉल्ट स्टेट मानोगे, अगर कुछ भी नहीं दिया तो हम मानेंगे सवाल में एक्वस स्टेट है। इन एक्वस स्टेट, अब यहां दो आते हैं, अगर आर की वैल्यू CH3 है, मतलब आर कैसा ग्रुप है? मिथाइल, तो 2 डिग्री अमीन डोमिनेट्स 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन अमोनिया। And if R is not CH3, it is C2H5, then it is 2 degree then, 3 degree then, 1 degree then, ammonia. समझ में आ रही बात? इसका रीजन क्या है? यहाँ पे देखो बेसिटी किस पे डिपेंड करती है? प्लस आई इफेक्ट पे। जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप्स उतने बेसिटी, तो यहाँ पे R कैसा था? प्लस आई, तो यहाँ बेसिटी ज्यादा, यहाँ यहाँ बेसिटी, अरे तीन R है
तीन आर है और ये लोन पे आ रहे, तो तीनों आर अपने प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे थे। ये किस स्टेट में? गैसीय स्टेट में। तो ये लोन पेयर पागल हो रहा था, ये बोल रहा था नाइट्रोजन मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत आ गई है, हाईली डेल्टा नेगेटिव हो रहा है, तो पास में पड़े प्रोटॉन पे तुरंत अटैक कर देगा ना। yes. और टेंडेंसी टू अटैक प्रोटॉन इज कॉल्ड बेसिटी। बेसिटी क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डेस्परेटली डोनेट करना चाह रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ गई ना, उसको मिनिमाइज करना चाहेगा, इसलिए वो बेसिक था किस मीडियम में। उसके बाद इसमें कम हो गया अल्काइल ग्रुप तो और कम बेसिटी, इसमें और कम है, इसमें तो है ही नहीं अल्काइल ग्रुप। लीस्ट बेसिक कौन है यहाँ पे? अमोनिया। एक्वा स्टेट में हुआ क्या? एक्वा स्टेट में, अब देखो एक्वा स्टेट में क्या होता है ना, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, वो सॉल्वेशन इफेक्ट पे भी आ जाता है ना, कि वो सॉल्वेंट में कितना सॉल्युबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने बना सकता है। तो यहाँ पे देखा क्या कि 1 डिग्री तो बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनाता है, 2 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्ड कम, 3 डिग्री में और कम, बट यहाँ प्लस आई और हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉम्बो हो गया ना सॉल्वेशन इफेक्ट का, इसलिए 2 डिग्री जीत गया। और तीसरा स्टेरिक फैक्टर भी होता है ना, स्टेरिक फैक्टर मतलब बल्की ग्रुप, तो यहाँ पे बल्की ग्रुप भी था, यहाँ बल्की ग्रुप कम थे, यहाँ और कम थे, बट क्योंकि यहाँ बल्की ग्रुप के साथ ये बीच में कहीं लाई कर रहा है ना 2 डिग्री, प्लस आई भी दे रहा है, बल्किनेस भी ओके ओके है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है, तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा बेसिटी पा रहा है। ठीक है, इसी तरह बस यहाँ पे ऑर्डर फ्लिप हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो C2H5 आने से क्या हुआ, सिर्फ ये वाला पार्ट डिफरेंस है। समझ में आ गया? क्लियर? तो बस ये, क्योंकि हाँ सारे और भी अल्काइल ग्रुप है पर हमारे सिलेबस पे ज्यादातर यही आएगा। ऐसे तो मैं तुम्हें बहुत सी लिस्ट दे दूं, R C3H7 तो क्या उसका भी अलग है, सबके ऑर्डर्स अलग अलग है, कुछ के मैचिंग भी है, कॉमन भी है, बट पर हमारे को ज्यादा जो कुछ क्वेश्चन आते ही नहीं पे आते, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ज्यादा ऑर्डर जानने हैं तो एक बुक है KS वर्मा है ना, उसमें ढेर सारे ऑर्डर दिए हुए, जेई एडवांस की बुक है, एंगेज पब्लिकेशन, उसको तुम फॉलो करके उसमें ढेर सारे दिए, पर करने क्या जरूरत है, आते ही नहीं है, यही आएगा जो बता दिए, ज्यादा आता नहीं, क्यों बढ़ेगा। ठीक है क्यों भाई, इजी। सो ऑर्डर ऑफ केवी बताओ, केवी मतलब बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या, केवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के भी है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, ये सब बताया था ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्लस आई स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई स्ट्रेंथ, तो बेसिकली इतने फैक्टर पर डिपेंड कर गया। तो क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ पी के भी, ऑर्डर ऑफ के भी, सॉरी के भी मतलब बेसिटी ऑर्डर नॉर्मल पूछ रहे हैं, तो ऐसा आ गया C6H5NH2, C2H5NH2, C2H5 2NH, NH3, बताओ किसकी बेसिटी ज्यादा। ये देखो ये क्या है, एनिलीन, ये क्या है 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये कैसा है 2 डिग्री है, और ये अमोनिया है, तो हमें पता है 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन अमोनिया कब, जब आर क्या हो, C2H5 हो, यहाँ बताया ना आर जब C2H5 है तो ये ऑर्डर, बट यहाँ 3 डिग्री दिया है क्या, नहीं, ये तो उड़ा दो, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर ये पक्का है कि ये ऑर्डर होने जा रहा है, बट एक प्रॉब्लम ये भी आ गया है, इसको कहाँ प्लेस करें, तो ये कैसा है 1 डिग्री है अब, लेकिन ये अमोनिया के बाद आएगा, ये C6H5NH2 का ऐसा बना सकते हो ना, क्योंकि नहीं, तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या आया, C2H5 4NH आया सबसे ज्यादा बेसिक, फिर 1 डिग्री कौन सा है, C2H5NH2, अब ये यहाँ पे क्यों चला गया, इसलिए क्योंकि यहाँ लोन पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, क्या ये, तो अगर पास में प्रोटॉन पड़ा होगा क्या उस पर इतना ध्यान दे पाएगा, क्योंकि रेजोनेंस में बिजी है ना, तो लोन पे यहाँ अवेलेबल कम है एच प्लस को अटैक करने के लिए, क्यों, क्योंकि ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। आपको बताया गया था, याद रखना सीक्रेट, लिखो सीक्रेट ऑफ बेसिसिटी, लोकलाइज्ड sp3 नाइट्रोजन या एटम पे जो लोन पेयर होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं देन लोकलाइज्ड sp2 पे, देन डीलोकलाइज्ड sp2, है कि नहीं, बताओ यहां पे नाइट्रोजन के हाइब्रिड
हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अगर हाइब्रिडाइजेशन से करना चाहते हो तो यहाँ नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2 क्या है, और ये लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है, सो डीलोकलाइज्ड sp2 हो गया ना ये लीस्ट बेसिक। समझ में आया, यहाँ पे ये लोन पेयर रेजोनेंस में थोड़ी ना है, ये नाइट्रोजन कैसा है sp3 लोकलाइज्ड, sp3 लोकलाइज्ड, ये भी क्या है sp3 लोकलाइज्ड है ना। तो जब sp3 लोकलाइज्ड होते हैं तब आराम से तुमने कंपेयर कर लिया, और sp2 डीलोकलाइज्ड है तो पक्का हार गया वो। समझ आ गई बात, तो ये नोट कर लो। अब ये आता मान लो, ये बताओ ये कैसा है, ये क्या है पिरिडीन है, इसमें ये नाइट्रोजन कैसा है, ये लोकलाइज्ड है sp2 लोकलाइज्ड है क्या भाई, क्लियर? तो ये बीच में कहीं आएगा, वीक बेस होता है, ये भी बहुत अच्छा बेस नहीं होता, लेकिन अगर यहीं पे हमने कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वगैरह लगा लिया तो अच्छा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा वो कौन सा ग्रुप होगा, ठीक है, क्लियर? बस तो ये हो गए सारे बेसिसिटी के बारे में बात, अब क्वेश्चन करते हो गया, मतलब ये चैप्टर अमीन्स वाला हो चुका है, और वो वाला बस बता दें, वो डायजोनियम पार्ट बचा है, जल्दी से नोट कर, डायजोनियम बता देता हूँ, मैंने पहले पढ़ाया वैसे तो कन्वर्जन में, फिर से एक बार जल्दी से बता देता हूँ। हाँ हाँ लिखो पहले, देखो ऐसे बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, लेकिन इसको हमें स्ट्रेटेजिकली करना होगा, ये नहीं सब पढ़ के बैठ गए, जो आने वाला वो पढ़ो, कचरा नहीं पढ़ो। सर क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा भाई, पता नहीं क्या बोल रहा है, नोट करो भाई जल्दी। अगर गैसीय स्टेट मेंशन किया तब तो 3 डिग्री वाला जाता है ना, अब जैसे ये आ गया मान लो तो एग्जाम में, बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक, बेसिक किसकी ज्यादा, इसकी, क्योंकि यहाँ पे sp3 लोकलाइज्ड है, sp3 है और लोकलाइज्ड है नाइट्रोजन, यहाँ पे ये लोन पेयर sp2 लोकलाइज डी लोकलाइज है, समझ रहे हो, मान लो हम ऐसा बनाते हैं, ये भी डी लोकलाइज है sp2 डीलोकलाइज, अच्छा मान लो मैं ऐसा बनाते, अब क्या हो गया ये sp2 लोकलाइज, सही बनाया देख लो एक बार, और ये ज्यादा होगा किससे, sp2 डी लोकलाइज, क्यों क्लियर हुआ क्या? Yes, तो वो जो सीक्रेट बताया वही है, sp3 लोकलाइज्ड मोर बेसिक देन sp2 डीलोकलाइज्ड लोकलाइज्ड देन sp2 डीलोकलाइज्ड, यस सेम वेयर मेंस में एनसीईआरटी में, हां सेम ही होगा, क्या करें आगे, तो आप हेडिंग डाल लो डायजोनियम सॉल्ट्स, हमने बताया था HONO से बनता है ना, यानी कि NaNO2HCl से, डायजोटाइजेशन पढ़ा चुका हूं मैं, तो वो तो मैं नहीं बताऊंगा अभी, है ना, बार बार डायजोटाइजेशन, डायजोटाइजेशन पता होना चाहिए, चलो बता देता हूँ गरीब, क्या बता रहे थे, हाँ डायजोनियम डायजोटाइजेशन देख लो पहले जल्दी से,
डायज़ोनाइटेशन मतलब डायज़ोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन किससे होती है, एनिलीन से, NaNO2HCl, NaNO2HCl को 273 टू 278 केल्विन तो क्या बनेगा, डायज़ोनियम क्लोराइड है ना। इसमें HBr4 डाल दोगे तो क्या बनता है, तो यहां से यहां तो डायज़ोनाइटेशन थी, यहां से यहां डायज़ोनाइटेशन स्टेप था, और इसके आगे का स्टेप HBr4 डाल दोगे तो बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट बन जाएगा, क्या बनेगा, N2+Br4-, ये याद है ना, फ्लोरोबोरेशन कर दिया हमने, ठीक। तो ये हमारा हो गया डायज़ोनाइटेशन इतना है, और इसके आगे HBr4 डालोगे तो N2+Br4 बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है। अरे आगे अब तो आप देखो, ये जो डायज़ोनियम क्लोराइड है N2+Cl- है ना, इसको मैं बीच में बना लेता हूँ, और इससे अब चालू कर रहे हैं ना, इधर देखो, अगर मैंने यहाँ पे CuCnHCl लिखा, या Cu2CN2HCrT, सॉरी Cu2Cl2HCl, तो क्या बनेगा, Cl क्लोरोबेंजीन, बताया था ना ये सब, yes. Cu2Br2HBr क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, आया ना, Cu2CN2 लिख दो, KCN, CuCN, KCN क्या बनेगा, साइनोबेंजीन है ना, ये तीन का है सैंडमेयर रिएक्शन है ना, देख लो, ठीक है, बहुत अच्छी बात, अभी कॉपर और HCl, हाँ कॉपर और HCl क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, Cu and HBr डालोगे तो ब्रोमोबेंजीन, ये दोनों हो गए गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन कॉश अलग है और गैटरमैन अलग है, फिर इसको मान लो मैंने क्या डाल दिया इसमें, HBr4 नहीं Ki डाल देते हैं, तो आयडोबेंजीन बन जाएगा, अब तुमको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो तुम पहले इसमें HBr4 डालोगे, बताया HBr4 से क्या बनता है, डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट बना, और तुमने इसको आप तुम दो रास्ते कर सकते हो, NaNO2 और कॉपर कर दो और हीट, तो ये नाइट्रोबेंजीन बनाएगा, और इसको हीट सिंपली कर दो तो क्या बनाएगा, फ्लोरोबेंजीन है ना। भाई पूरी रिएक्शन तुम बुक से देख लेना, मैं तुम्हें सिर्फ वो बता रहा हूँ कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना भाई, क्योंकि वहां पे एंड नाइट्रोजन गैस भी निकल रही होती है, BF4 भी बन रहा होता है ना, ठीक है, याद रहेगा, yes. नाइट्रोजन गैस हर केस में निकल रही है, यहाँ पे याद रखना, और ऑल द केसेस नाइट्रोजन गैस इज बीइंग रिलीज्ड, ठीक, क्या बता रहे थे, हाँ, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, यहाँ से यहाँ बेल स्टीमेन रिएक्शन, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब इसमें अगर H3PO2 डाल दे, क्या डाल दे, H3PO2, बताओ इसका एन फैक्टर क्या होता है, H3PO2 और वाटर, H3PO2 और वाटर ले लिया, H3PO2 में फास्फोरस का एन फैक्टर 2 1, ठीक है, तो क्या बनेगा, बोलो बेंजीन, क्या बनेगा, ठीक है, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा H3PO3 में, और नाइट्रोजन गैस में रिलीज होगी, HCl भी बनेगा साथ में, वो बुक से देख लेना। बेंजीन बनाने का एक और तरीका, इथेनॉल, इथेनॉल खुद क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, एसिटाल्डिहाइड में, CH3CHO में, हाँ। और इसको ये इसने रिड्यूस कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गया, याद रखना है साइड प्रोडक्ट H3PO3 और यहाँ पे CH3CHO इंपॉर्टेंट साइड प्रोडक्ट, यहाँ BF3 इंपॉर्टेंट साइड प्रोडक्ट, है? Yes. अब H2O डाला हमने है ना, 283 केल्विन, वाटर, सिंपली वाटर एंड स्लाइट हीटिंग, नॉर्मल वर्म, तो क्या हुआ, फिनॉल, बताया था ना, ये सब बता चुका हूं, हाँ सर, बस, तो ये हो गया हमारा बेसिक। अब देखो डायज़ोनाइजेशन बता दिए थे, डायज़ो कपलिंग बताया मैंने, नहीं yes. अरे पढ़ा चुका हूँ पहले, क्या बताइए, यहाँ पे एनिलीन किस मीडियम में लेते हैं, हमेशा एसिडिक मीडियम, बताए थे स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में, एसिडिक मीडियम,
तो यहाँ पे येलो डाई बनता है, पैरा अमीनो एजो बेंजीन, स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर में बताए थे, और ये येलो डाई होता है, और यहाँ पे ऑरेंज डाई, फिनॉल लोगे और ये अल्कलाइन मीडियम में लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे बनता है हाँ पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ऑरेंज कलर, ऑरेंज डाई, क्लियर? इनके मॉडिफिकेशन भी हो सकते हैं, वो भी इन्हीं के कलर के होंगे, इनके मॉडिफिकेशन, जैसे यहाँ पे कुछ ग्रुप लगा दिए तो वो भी उन्हीं कलर्स के मिलते जुलते होंगे, ठीक है? क्लियर? यस सर। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, अच्छा इन रिएक्शन को क्या बोलोगे, डायजो कपलिंग, क्या है कपलिंग, डायजो कपलिंग रिएक्शन, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा ऐसा एन आर आर, देखो ये किसका डेरिवेटिव है, ये एनिलीन का जो डेरिवेटिव है, NH2 हटा के H2 हटा के यहाँ पे R2 लगा दिया ना, तो इसी जैसा बनेगा, बस यहाँ NRR लग जाएगा, वो भी क्या होगा येलो डाई, क्या होगा येलो डाई, भाई H हटा देना यहाँ से दोनों और R लगा देना दो NR2 हो जाएगा, तो वो भी येलो डाई होगा, क्लियर? यस ठीक है, जलडाल रिएक्शन नहीं देते डायजो ग्रुप वाले हैं, बताए थे जलडाल मेथड, ठीक है? तो ये भी हो गया, तो ये खत्म हो गया भाई डायजोनियम वाला भी चक्कर, नोट करो। एनसीईआरटी वैक एक्सरसाइज लगा लेना, एग्जाम्पल लगा लेना, और या फिर हमारा मॉड्यूल लगाओ, या फिर हमारा पीवाईक्यूज, पीवाईक्यू तो देखो मैंडेटरी है, मॉड्यूल में ही पीवाईक्यूज भी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के दोनों लगाओ, या एनसीईआरटी एग्जाम्पल और पीवाईक्यू लगाओ, समझ रहे हो? केवीपीवाई भी लगा सकते हो, लगा लो बिट सेट, लगा लो सारे पेपर लगाओ, डोंट इग्नोर, सब सेम ही रहते हैं, तो पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है? बस चैप्टर जो है वैसे देखा जाए तो खत्म है, अब मैं जेई के कुछ सवाल करेंगे, अब हम जेई के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हैं लिख लिए? सिटी का ऑर्डर बताना तुम्हें, जेई 2018 बता, इन चारों में ये नंबरिंग कर दें, अगर इसको 1 2 3 4 कुछ नहीं दिया था एक्स मीडिया में ना भाई, करो बेसिटी ऑर्डर बताना है, बेसिटी ऑर्डर, हाँ 4-1 गलत, 4-2-1 3 4-1 4-2-1 3 कुछ भी बोलते हो गए है, 1-2 का 4, 4-2 का 1 अबे बताओ सही से करो ना, टाइम पास मत करो यार, करो ढंग से, 4-2-1 बोलो, 3 फिर 1 फिर 4 फिर 2 देखो 3-4-1-2 या 3-1-4-2 क्यों, ये क्या है,
बेस है, क्या है भाई? ये देखो ना, यहाँ पे एक डीलोकलाइज्ड है और ये क्या है? लोकलाइज्ड क्या? एसपी टू लोकलाइज्ड है। अच्छा मान लो इसने प्रोटॉन लिया, तो प्रोटॉन लेगा तो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। और इसने प्रोटॉन लिया तो NH2+CH3। इसने प्रोटॉन लिया होता तो बेसिटी के लिए सबको क्या दे दो? प्रोटॉन। इसको भी देखो सही लिखा है। अब बताओ कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल सबसे ज्यादा? कार्बोकैटायन बोल रहा है, ये जो आयन है कैटायन, जिसका भी सबसे ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा बेसिक, क्योंकि H+ गेन करने के बाद वो स्टेबल होना चाहिए ना, तो फिर वो क्यों करेगा बेसिसिटी? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये ना, फिर जब इसने कैप्चर किया तो देखो अब ये रेजोनेंस है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो थर्ड हो गया इसका, इसीलिए इसका बेस सबसे स्ट्रॉन्ग है। फिर फोर और वन में, फोर और किसमें? फोर में देखो यहाँ पे प्लस आई ग्रुप भी है और ये भी क्या है? प्लस आई C2H, दोनों प्लस आई स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे क्या होगा? पागल कर देंगे इसको, है ना, इलेक्ट्रॉन देने के लिए। और ऐसे देखो जब इसने कैप्चर किया तो दोनों स्टेबलाइज भी कर रहे हैं इस नाइट्रोजन को, है ना। और क्या वन क्यों वन में थोड़ा रेजोनेंस है? और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है। मतलब ऐसा कोई स्टेबिलिटी फैक्टर तो है नहीं यहाँ, तो बस यही ऑर्डर हो गया। क्लियर? देख लो एक बार अच्छे से, कोई डाउट हो पूछ लो फिर से। इसका आंसर इन्होंने जो दिया है वो भी सी, मतलब वही है 3-4-1-2 सही है। समझ में आया? भाई और कोई तरीका सोचने का? सोचने के तो बहुत से तरीके हैं। अरे ये ऐसे बना दो, ये इधर चला जाएगा माइनस, नेगेटिव साक्षात आ जाए, बहुत भयानक बेस है ना, अगर डायरेक्टली भी देखना चाहो तो। और इसमें तो प्लस आई दोनों ही है तो काफी अच्छा बेस है। फिर इन दोनों में कंपेयर करें अगर, तो ये sp2 localized है और ये क्या है? sp3 localized है ना, obviously sp3 localized is better than sp2 localized, तो one or is greater than, ऐसे भी देख सकते हो, है ना। हाँ बोलो जाओ। इजी है ना भाई? एक ये क्वेश्चन देखो J2016। नंबरिंग कर दिया इसको, फर्स्ट बोल दिया नाइट्रोजन, इसको सेवेंथ नाइट्रोजन बोल दिया, इसको नाइन्थ नाइट्रोजन बोल दिया और इसको थर्ड नाइट्रोजन बोल दिया। और बोला है कि विच नाइट्रोजन, नाइट्रोजन विच डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड, टू द बेसिसिटी ऑफ द, मतलब लीस्ट बेसिक नाइट्रोजन ढूंढना है, मतलब ऐसा नाइट्रोजन जिसके कारण कंपाउंड की बेसिसिटी पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि हमें कैसा नाइट्रोजन ढूंढना है, लीस्ट बेसिक करो। है कौन सा भी लीस्ट बेसिक है? विच डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द बेसिसिटी, नाइन्थ, क्योंकि ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है,
बाकी जगह लोन पेयर है और एसपी टू लोकलाइज्ड है। ये तीन क्या है? एसपी टू लोकलाइज्ड लोन पेयर और ये एसपी टू डी लोकलाइज्ड है। नाइन आंसर एन नाइन नाइट्रोजन नाइन्थ इज द नाइन्थ नाइट्रोजन इज द आंसर। ट्रिक से बन गया तुरंत। तो इसके जो है उस ट्रिक को ध्यान में रखना बहुत अच्छा सा। यही सब आता रहता है घिसा पिटा अपना वही हर साल सालों साल चलता रहता है। एक एक और करते हैं करें 2020 जेई 5th जैन 5th सितंबर फर्स्ट शिफ्ट जेई मेंस बोला है द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट टू कन्वर्ट C2H5CN to CH3CH2CH2NH2 अरे तो बहुत ही घटिया आसान सवाल है। इज NaBH4 CH2 LiNH4 क्या भाई कमले से याद आ गया NaBH4 CH2 LiNH4 NaCNBH3 क्यों भाई LiNH4 अभी तो क्लास के नोट्स में कितने कार्बन है यहाँ तीन यहाँ भी कितने होंगे रिड्यूस कर दिया ना सर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल लाइक उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट इज LiNH4 है ना बहुत ही आसान और देखो भाई द फाइनल मेजर प्रोडक्ट ये आया है वही जेई 2020 को ही आया है सेकंड शिफ्ट अबे ये सब क्लास मत करो फिर बोल रहा हूँ वार्निंग दे रहा बट्टा मोबाइल कॉन्फिस्केट हो जाएंगे इस पूरे बैच के और मिलेंगे भी नहीं मैं वापस नहीं देता फिर मोबाइल भेज दूंगा मैं फिर उसको चढ़ा के वजह से ठीक है बताओ प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बताओ मेजर प्रोडक्ट बताना है फाइनल ऑप्शन भी बताए बिना ऑप्शन के तो कर नहीं पाओगे जीवन ही बर्बाद है ऑप्शन हर चीज में चाहिए तुमको पढ़ लो आगे आप जे आने वाला तुम्हारे लिए करो ट्राई करो सब लोग लग जाओ क्लास में सब ट्राई करने तुरंत खत्म कर दो इसको डिस्ट्रॉय करो क्या बोल रहा भाई यहाँ पे कैसा ग्रुप है एमी मतलब CH3 AC मतलब होता है CH3CO असाइल एसिटिल है ना एसिटिल ग्रुप तो CH3CO है मतलब और O मतलब AC2O अगर लिखा है तो क्या हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया और पिरिडीन दिया हुआ है तो एसिटिलेशन है अमीन है ना 1 डिग्री यहाँ पे तो आपका पहला स्टेप क्या होता था जब यहाँ पे NH2 में ऊपर ऐसे NH2 बना दो या जब नीचे ही रहने देते हैं NH2 मतलब यहाँ से H होता था कि नहीं यहाँ पे और CH3CO NH को मैं ऐसे लिख सकता हूँ
सिरिडीन की प्रेजेंस में हमने बताया था यहाँ पर यहाँ भी है ना। हाँ। तो ये देखो ये प्लस ये को ऐसे लिख दिया, अब यहाँ से हमने क्या किया एच एसिटिक एसिड निकाल दिया। हाँ। और एसिटिलेशन मतलब अमाइड बन गया। हाँ। बताए थे, अरे बताए थे। हाँ। तो यहाँ पे क्या आ गया एन एच सी ओ सी एच थ्री आ गया कि नहीं। हाँ। अब क्या बोल रहा है Br2 है, तो ये कैसा ग्रुप है बताओ, ऑर्थो एंड पैरा एक्टिंग कौन सा ये Br2 का Br2 FeCl3 Br+ देगा ना इलेक्ट्रोफाइल, तो Br+ ऑर्थो पे तो लग नहीं सकता, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो पैरा पे लग जाएगा है ना। तो NHCOCH3 Br यहां लग गया अब, और यहां तो पहले से ये भी था। अब OH- डी प्रोटेक्शन, अरे बताए थे NHCOCH3 में OH- डाल दो तो क्या होता है एनिलीन वापस बन जाता है, NH2 ग्रुप वापस आ जाता है, तो बन गया मतलब ऑप्शन डी है। ठीक है, इजी है, तो एक क्लास नोट से ही क्वेश्चन सेमी दो है काइंड ऑफ कैसे इजी दो है। अबे वही ब्रोमिनेशन वाला है कि तुम ब्रोमिनेशन क्यों नहीं कर सकते, और तो अगर तुम एक ही बार में करना चाहते तो क्या लेते थे एक्वस ब्रोमीन वाटर, जो हम लोग ले ब्रोमीन वाटर लेते थे। ठीक है, और यहाँ पे मेटा पे कैसे के ब्रोमीन मेटा ब्रोमो एनिलीन NaNO2 HCl 273 to 278 केल्विन ए बन रहा Cu2Br2 Y बन रहा HNO3 H2SO4 Z बन रहा यहाँ X बताओ व्हाट इज Z मेजर प्रोडक्ट Z क्या है बताओ ऑप्शन में नहीं दे रहा तुम खुद बताओ बिना ऑप्शन करो ट्राई करो ऑप्शन में नहीं दे रहा जेड बताओ क्या है तो देखो पहले डायस्टराइजेशन होगा यहाँ पे पहले स्टेप एक्स क्या बनेगा ये एक्स क्या हो जाएगा NH2 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डायजोनियम सॉल्ट और फिर Cu2 भी R2 डाला है तो नेक्स्ट स्टेप पे जो Y आएगा Y कैसा दिखेगा अरे ब्रोमिनेशन है ना Cu2 भी R2 सैंड में रिएक्शन तो N2 प्लस उस पे कन्वर्ट हो गया अब नाइट्रेशन अब Br कैसा ग्रुप है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग तो तीसरे स्टेप पे जो है इसके बाद क्या बनेगा Z Br यहाँ पे है ये भी Br है कोई एक Br पकड़ लो इसके रिस्पेक्ट में ये NO2 यहाँ डाल दें ये यहाँ करो ठीक है ना कटिया सवाल है ना पैरा प्रिफर्ड होगा ना भाई देखो एक ऑप्शन उन्होंने ये भी दिया था बट आंसर तो क्या यही है बट एक ऑप्शन देखो ये भी था बताओ ये क्यों नहीं होगा इनके बीच में हाँ एक तो स्टेरिक फैक्टर दूसरा ऑर्थो वही स्टेरिक फैक्टर ही मेन है भाई इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो इसके रिस्पेक्ट में लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है बल्कि ग्रुप से तीनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन हो सकता है तो इससे अच्छा वो मिनिमम पे जाना चाहिए यही बेस्ट ऑप्शन
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बता दे रहा हूं। पहले क्या बोल रहा है, कौन सा रिएजेंट डालना है इसमें? देखो इसको रीड्रॉ कर लेते हैं, पहले सवाल को रीराइट कर लेते हैं अच्छे से थोड़ा इज्जत से। COO C2H5 है ना ये, ET मतलब C2H5 और ये CH2CN है ना, क्यों? अब H2NI डाला तुमने, क्या डाला? H2NI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, साइनाइड को ये CH2NH2 में कन्वर्ट करता है। क्यों भाई? तो पहले स्टेप के बाद क्या हो जाएगा, ये CH2 CH2 NH2 में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? फिर क्या है नेक्स्ट स्टेप पे, डबल एच डाल दिया है, डबल एच डाला है तो क्या बनेगा? डबल एच क्या करता है, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, इसको रिड्यूस करता है ना, किसमें? CHO में, बेंजाल्डिहाइड, बताया था साइनाइड और एस्टर दो को ये डबल एच सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है। और यहां पे क्या था, CH2 CH2 NH2 था है ना। अब यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर और ये डेल्टा पॉजिटिव कार्बन है, इंट्रामॉलिक्यूलर की संभावना है क्या रिंग फॉर्मेशन की? 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बनने की संभावना है, इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक करा देंगे। अब देखते हैं अटैक कराया तो क्या बना, CO माइनस H CH2 मतलब CH2 एक CH2 यहां एक CH2 यहां और इससे जुड़ा NH2+ समझ रहे हैं? इसको थोड़ा अच्छे से दिखाएं, बड़ा करके लिखते हैं, ये देखो ऐसा है, क्यों? CO माइनस H है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं CO माइनस और यहां पे CH तो हिडन है ये वाला, और यहाँ पे एक नाइट्रोजन आ गया NH2+ आया ना, और इस नाइट्रोजन पे CH2 ये वाला और एक CH2 ये वाला और ये है ना, ठीक है ना, ये CH2 ये CH2 ये वाले हो गए, और नाइट्रोजन पे NH+ है तो यहाँ से ये क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलरली H को ले लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये O है, H है ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है NH, और ये अब यहाँ से H2O निकलेगा, HOH कंडेंसेशन, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बनने की संभावना है, ऐसा कोई ऑप्शन है? ये ऑप्शन, तो कई लोग जो है नहीं, ठीक है यही बनेगा, सी बनेगा, समझ रहे हो क्यों? अबे ये अंदर ही आई इधर चला गया ना, तो OH आया और यहाँ एक H था, अब इस H और OH को निकाल देंगे, तो भाई बस काम खत्म। तुम बस एक टेस्ट कर लेना खुद से, होमवर्क है तुम लोग का, बीटा नेप्थॉल टेस्ट, क्या बीटा नेप्थॉल के साथ जो रिएक्शन है वो पता करके आना, होमवर्क है तुम्हारा, बीटा या नेप्थॉल या इसको बोलते हैं 2-नेप्थॉल, ठीक है, करके आना होमवर्क, ये टेस्ट पता करके आओ, ठीक कर लोगे? क्वेश्चन है जेईई मेन 2019,
ही बढ़िया क्वेश्चन। यहां बोल दिया NaNH4 एक्सेस में, एक्सेस में हमने क्या ले दिया LiAlH4। अब बोला है फाइनल प्रोडक्ट बताओ, तो चार ऑप्शन दिए हैं। चलो करो, ये कैसे करेंगे? बोलो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जेक मेन का। इसमें होगा क्या कि LiAlH4 के बारे में जान लो, मैंने बताया हुआ है पहले, फिर बताता हूँ। LiAlH4 जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को तो रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, है ना, एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, NO2 को भी कर देगा रिड्यूस NH2 में, ना रिड्यूसिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग, बट सी डबल बॉन्ड सी को कुछ नहीं करेगा। H2Ni दिया होता तो सी डबल बॉन्ड सी भी रिड्यूस हो जाता। क्या आंसर है? डी, क्योंकि डी में COH CH2OH में कन्वर्ट हुआ, NO2 NH2 में कन्वर्ट हुआ, CO CH3 है, मतलब ये हाँ कीटोन है, ये कीटोन ग्रुप, मतलब इस CO ग्रुप को बेसिकली CHOH में कन्वर्ट कर दिया और डबल बॉन्ड को इंटैक्ट रखा, कुछ नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट मान लेना क्योंकि ये प्रॉपर्टी में आता है। लगा लेना सारे मॉड्यूल और सवाल वाल सब बन जाएंगे, मजा आ गया। एक और होगा, लिखो पता करके आओ अमीन इन्वर्जन के बारे में, पता करके आओ। कुछ चीजें देखो तुमको करनी है, कुछ मैक्सिमम मैं करा दूंगा हेडेक वाली, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता करके आनी होगा, ठीक है ना, कर लेना। तो आज अमीन खत्म, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसकी, बोलो बायो मॉलिक्यूल नहीं डीएनए ब्लॉक चालू हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्लम देखेंगे, नहीं होगा तो करा देंगे ना। हाँ ठीक है, मिलते हैं।